देखने के लिए अपने अपने रथों में सवार होकर तथा अंगरक्षकों से घर घिरकर राजा युधिष्ठिर की रानियां बाहर आ गईं। मानो आकाश में देवी विमानों में देवताओं की पत्नियां प्रकट हुई हों। जब ममेरे भाइयों तथा उनके घनिष्ठ मित्रों ने रानियों पर द्रव्य पदार्थ छिड़के तो उनके मुख लजीले मुस्कान से खिल उठे, जिससे उनके भव्य सौंदर्य में वृद्धि हो गई। जब रानियों ने अपने देवरों तथा अन्य पुरुष संगियों पर पिचकारियों से पानी दे मारा तो उनके वस्त्र भीग गए, जिससे उनकी बाहें, स्तन, जांघें तथा कमर झलकने लगे। उल्लास में उनके जूड़े ढीले होने से उनमें बंधे फूल गिर गए। इन मनोहरी लीलाओं से उन्होंने उन लोगों को उत्तेजित कर दिया जिनकी चेतना दूषित थी। तात्पर्य श्लोक रूपा लिखते हैं कि शुद्ध नर नारियों के मध्य ऐसा आचरण आनंदप्रद होता है, किंतु जो लोग भौतिक रूप से कलुपित होते हैं वे कामुक हो उठते हैं। इसके तात्पर्य में विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर लिखते हैं कि जो भौतिक रूप से कुलुचित होते हैं, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं दुर्योधन, वे कामुक हो उठते हैं, ऐसा वो बताते हैं। गले की सुनहरी झालरों से युक्त उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले अपने रथ पर आरूढ़ सम्राट अपनी पत्नियों के संग इतने भव्य लग रहे थे मानो तेजस्वी राष्ट्रीय यज्ञ अपने विविध कृतियों से घिरा हो। तात्पर्य अपनी पत्नियों के साथ राजा युधिष्ठिर ऐसे लग रहे थे मानो अपने सुंदर कृतियों से घिरा साक्षात राष्ट्रीय यज्ञ हो। श्लोक क्रमांक 19। पुरोहितों ने राजा से पत्नी संयाज तथा अवभृत्य के अंतिम अनुष्ठान पूर्ण कराए। तब उन्होंने राजा तथा रानी द्रौपदी से शुद्धि के लिए जल आचमन करने एवं गंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। देवताओं की धुंधवीयां मनुष्यों की धुंधवीयों के साथ साथ बज उठी। देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा मनुष्यों के फूलों की वर्षा की। तत्पश्चात विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों से संबद्ध नागरिकों ने उस स्थान पर स्नान किया, जहाँ पर स्नान करने से बड़ा पापी भी पापों के फल से तुरंत मुक्त हो जाता है। और फिर आज का श्लोक। इसके बाद राजा ने नए रेशमी वस्त्र धारण किए और अपने को सुंदर आभूषणों से अलंकृत किया। तत्पश्चात उन्होंने पुरोहितों, सभा के सदस्यों, विद्वान ब्राह्मणों तथा अन्य अतिथियों को आभूषण तथा वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान किया। ओम अज्ञान त्रिमंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चश्मरु मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिताश्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषशून्यवादी पाशादेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमविधायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत् कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपातरुभ्यः च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 के भगवान के गुणगान के लिए और सबकी प्रसन्नता के लिए इस पे कुछ चर्चा कर सके। 8:55 तक है ना रमेश बाबू? कहाँ है रमेश बाबू? 8:55 ना। तो ये जो श्लोकों का श्रृंखला चल रहा है तो इसमें हम देख रहे हैं राष्ट्रीय यज्ञ समाप्त होने के बाद में कैसे अभी सब लोग जो हैं वो उत्साह मना रहे हैं और सभी लोग विभिन्न प्रकार से नेचुरल रूप से नेचुरल सामग्री इस्तेमाल करके जो ये उत्साह है उसको मना रहे हैं, सारे स्त्री सारे पुरुष। तो हम देखते हैं जो हमारा वैदिक संस्कृति है उसमें कृष्ण भगवान को केंद्र बिंदु रखकर लोग साथ में आते हैं और उसके बाद में ये जो उत्साह है इसको मनाते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारा पूरा वैदिक संस्कृति है उसमें ये तीन चीज़ें मुख्य हैं। पहला, कृष्ण भगवान को केंद्र बिंदु में रखना। दूसरा, भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर सबका साथ में आना। और तीसरा, सबका साथ में आने के बाद में सेवा करना और वो सेवा त्यौहार हो जाता है, वो सेवा सेलिब्रेशन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो सबसे मुख्य चीज़ है मनुष्य के लिए वो है भगवान को केंद्र बिंदु में रखना, क्योंकि जब भगवान केंद्र बिंदु में रहेंगे तभी लोग असली में साथ में आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड से पहले यूनिवर्सल फादरहुड आता है, कि जो हम बोलते हैं कि सब भाई भाई हैं, चीनी और भारतीय भाई भाई हैं, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो भाई भाई तब होंगे जब पिताजी एक होंगे। लेकिन अगर पिताजी सबके अलग अलग हैं, केंद्र बिंदु सबके अलग अलग हैं, तो जो भाई का भाव है वो नहीं रहेगा। लेकिन जब कृष्ण भगवान केंद्र बिंदु में आ जाते हैं तो लोग साथ में आ पाते हैं, और जब साथ में आ जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कार्य करते हैं तो वो सेलिब्रेशन हो जाता है, उसमें आनंद आता है, वो उत्साह हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये जो दो चीज़ हैं ये बहुत मुश्किल हैं, कि भगवान को केंद्र बिंदु में रखना और फिर भगवान को केंद्र बिंदु रखकर साथ में आना। जितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा तपस्या कर सकते हों, बहुत ज़्यादा योग कर सकते हों, लेकिन किसी के साथ में नहीं रह पाएंगे। वो एक पहाड़ पे अकेला एक योगी रहेगा, दूसरे पहाड़ पे दूसरा एक योगी रहेगा, क्योंकि जब साथ में रहते हैं तो अहंकार जो होता है उसका शुद्धिकरण होता है। वो जो तपस्या करते हैं उससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है, उससे भी ज़्यादा दर्द देने वाला होता है। इसलिए जो ज़्यादा ज्ञानी बन जाएगा वो उतना अकेलापन में हो जाएगा, जो जितना योगी बन जाएगा उतना ज़्यादा वो अकेला रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि इनसे क्या होता है उनका अहंकार बढ़ जाता है और अहंकार को बचाने के लिए दूसरों का जो संग है उसे दूर रहना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं भक्ति जीवन की विशेषता है कि जब कोई साधक अपने ज़िंदगी में कृष्ण भगवान को केंद्र बिंदु रखने की कोशिश करता है और भगवान को केंद्र बिंदु रखकर भक्तों के साथ में आता है तो फिर उसका हृदय जो है शुद्धिकरण होने लग जाता है। तो अंदर से भी सेलिब्रेशन है क्योंकि भगवान बड़ा खुश है कि अरे इसके हृदय में तो इतनी सारी गंदगी थी लेकिन अभी शुद्ध हो रहा है, और बाहर से भी सेलिब्रेशन है क्योंकि उसमें असली उसको आनंद एक्सपीरियंस होता है जब वो भक्तों के साथ में भगवान की सेवा करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब इस प्रकार से जो प्रणाली है या इस प्रकार से जो हमारा समाज है वो नहीं होता है जिसमें भगवान केंद्र बिंदु रहें और भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर लोग साथ में आए, तो फिर जो लोग हैं वो सिर्फ दुख का अनुभूति करते हैं। तो इसमें बताया जाता है कि जो दुख है वो क्यों होता है, पाप के कारण, और जो पाप है वो आता है तद बीजम, जो विषय वासना है उनके कारण जो व्यक्ति है वो पाप करने लग जाता है। और विषय वासना कैसे उत्पन्न होती है, अविद्या के कारण। तो क्योंकि अविद्या में हम लोग अपना जो मूल स्वरूप है वो भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, और वो भूलने के बाद में हम लोग यहाँ पर विषय वासना जो है उनको बढ़ा देते हैं, विषय वस्तुओं को भोग करना चाहते हैं और उसके लिए हम पाप कर बैठते हैं, और जब पाप कर बैठते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, हमको जो दुख है वो भोगना पड़ता है। लेकिन जब हम कृष्ण भगवान को केंद्र बिंदु रखते हैं तो फिर हमारा जो मूल स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसमें हम लोग आ जाते हैं कि हम भगवान के जो हैं नित्य दास हैं, और उसके अनुसार फिर हम जब सेवाएं करते हैं तो ये विषय वासनाओं से हम प्रेरित नहीं रहते हैं,
भगवान की प्रसन्नता जो होती है वो हमारी प्रेरणा बन जाती है और फिर हमको सिर्फ आनंद मिलता है। तो ब्रह्मा जी इसको भागवत में समझाते हैं कि कैसे अविद्या से ये जो विषय वासना है इसका जन्म होता है। तो जब जीवात्मा आध्यात्मिक जगत से यहाँ पर आता है तो यहाँ पर वो आता है भगवान से दूर होकर अलग से भोग करने के लिए। अब वो ये भोग तब तक नहीं कर सकता जब तक वो अपने मूल स्वरूप में स्थित है कि मैं भगवान का दास हूँ। तो पहले वे ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये भूल जाए कि मैं भगवान का दास हूँ। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सबसे पहला जो इग्नोरेंस का लेयर है वो अविद्या है उसको उसके ऊपर डाल देते हैं। तो ब्रह्मा जी उसको भुला देते हैं कि आप जो है भगवान से संबंध रखते हैं, आप भगवान के दास हैं। तो अविद्या जो है उसको कवर कर देती है। और अविद्या के बाद में भी भूल तो गया वो जो उसकी पहचान है, असली पहचान है, लेकिन कुछ तो याद रहना चाहिए तभी तो कार्य करेगा। तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी जो है दूसरा जो आवरण है वो लगाते हैं जिसका नाम है अस्मिता। तो अस्मिता में उसको फॉल्स आइडेंटिफिकेशन दे दिया जाता है, उसको नकली आइडेंटिफिकेशन दे दिया जाता है। तो अस्मिता में वो मानने लग जाता है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, ये जितने भी फीचर हैं जिससे वो आइडेंटिफाई करता है। तो अस्मिता से भगवान जो है ब्रह्मा जी जो है उसको दे देते हैं। अब जब अस्मिता आ जाता है उसको, इस प्रकार से उसके अंदर भाव आ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर राग और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जो चीज़ें अस्मिता के अनुसार उसको आनंद देती हैं तो उनके प्रति उसका राग उत्पन्न हो जाता है, और जो चीज़ें उसके अनुसार उसको द्वेष में वो इतना ज़्यादा विलीन हो जाता है कि उसी में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, वो है पांचवा आवरण जो है अभिनिवेश। तो वो बताते हैं कि पहले अविद्या आती है, फिर अविद्या से अस्मिता आता है। तो अविद्या में तो हमारा मूल स्वरूप भूल जाते हैं, अस्मिता में फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, और उसके बाद राग और द्वेष। जैसा अस्मिता है, जैसे कि अगर मैं मानता हूँ कि मैं भारतीय हूँ तो भारत जब कुछ अच्छा करेगा तो मुझे उसके प्रति अच्छा लगेगा उससे, और जो भारत बहुत अच्छी तरीके से जीत जाता है तो मेरा तेंदुलकर के प्रति अपने आप राग उत्पन्न हो जाएगा, जबकि कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मेरा संबंध है मैं अपने आप को मानता हूँ भारतीय हूँ, और क्योंकि उन्होंने भारत को कुछ पाने में हासिल करवाया तो मेरा उनके प्रति राग उत्पन्न हो जाएगा, उनका नाम सुनते ही मेरे को अच्छा लगेगा कि अरे हाँ ये है। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई है जो भारत पे कुछ गलत कर रहा है तो उनके प्रति मेरे को द्वेष हो जाएगा कि अरे ये गलत व्यक्ति है। ऐसा ही हर चीज़ में है। अगर मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं गुजराती हूँ तो गुजरात के प्रति कोई कुछ कर रहा है उनके प्रति राग उत्पन्न हो जाएगा, और गुजरात के खिलाफ कोई कुछ कर रहा है तो उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये राग और द्वेष, इसी में जो मन है वो पूरा चला जाता है और उसको बोला जाता है अभिनिवेश, उसी में वो ध्यान रहता है। तो आज अगर हम किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि आप के क्या विचार हैं, तो या तो उनके विचार होंगे राग को लेके या उनके विचार होंगे द्वेष को लेके, या तो वो अपने राग को बढ़ाना चाह रहे हैं या अपने द्वेष को कम करना चाह रहे हैं। हम लोग भी देखते हैं, जो हम लोग भी चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो अधिकतर जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, अधिकतर जो हमारे विचार होते हैं वो राग या द्वेष संबंध में रहते हैं। जो भक्त हमारे को हमारी इंद्र तृप्ति में मदद करते हैं उनके प्रति राग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं कौन हूँ, शरीर हूँ। तो कोई भक्त मेरे शरीर को इंद्र तृप्ति प्रोवाइड करता है तो मेरे उनके प्रति राग उत्पन्न हो जाता है कि प्रभु जी हमेशा मिठाई लेके आते हैं, प्रभु जी हमेशा मेरे को प्रोत्साहन देते हैं, कभी भी सही नहीं करते हैं कितना भी गलती करने के ऊपर भी, और मैं कुछ भी बोलता हूँ वो तुरंत पास कर देते हैं, तो उनके प्रति राग उत्पन्न हो जाता है। और जो हमारे इंद्र तृप्ति में बाधा बनते हैं तो उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है, हमको लगता है अरे ये हमसे द्वेष करते हैं इस प्रकार से भाव आ जाता है। और इसमें ही क्या होता है, मन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम पूरा दिन क्या सोचते रहते हैं, ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा है, ये खराब है ये खराब है ये खराब है ये खराब है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि अगर हमको भगवान का नाम जप करना है तो दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, एक है डिटैचमेंट, एक है डिटर्मिनेशन। तो जप के समय कम से कम हमको सारी उपाधियों से विरक्त रहना चाहिए। हम देखते हैं जप के समय जितने भी हमारे विचार आते हैं सब उपाधियों से संबंधित रहते हैं कि मैं ये सेवा करता हूँ, मैं ये अधिकारी हूँ, या मैं
वो वाली चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ या मैं ये शरीर हूँ, तो ये जितनी भी उपाधियाँ हैं उनके संबंध में हमारे विचार आते हैं। लेकिन हमको जानना चाहिए जो अस्मिता है ये सिर्फ इसी जन्म में और जब हमने ये योनि धारण किया, ये शरीर धारण किया है उसी समय के लिए है। तो जो ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन होती हैं ये क्षण भंगुर होती हैं, कुछ ही समय के लिए आती हैं। तो जब चित्रकेतु महाराज की लीला में आता है कि जब उनका जो बालक है हर्षशोक, जब वो उनका देहांत हो जाता है तो चित्रकेतु महाराज बहुत विलाप करने लग जाते हैं कि अरे पुत्र तुम मुझे छोड़ के कैसे चले गए और तुम मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकते हो, और वहाँ पर बहुत विलाप करने लग जाते हैं। तब अंगिरा ऋषि जो है वो नारद मुनि को लेके आते हैं। तो नारद मुनि चित्रकेतु महाराज से पूछते हैं, अभी जो बालक है वो सामने है, चित्रकेतु महाराज विलाप कर रहे हैं, और नारद मुनि उनसे पूछते हैं ये जो बालक है इसका आपसे कोई संबंध है? तो चित्रकेतु महाराज पता नहीं कैसे रिएक्ट किए होंगे, लेकिन नारद मुनि पूछते हैं ये जो बालक है इसका आपसे कोई संबंध है? फिर दूसरा सवाल नारद मुनि पूछते हैं, क्या इसका संबंध पहले भी था आपके साथ में और क्या इसका संबंध बाद में भी होगा आपके साथ में? तो चित्रकेतु महाराज ये सब चीज़ें सुनते हैं तो उनको बहुत ऐसा इनलाइटन होता है कि अरे ये जो बालक है इसके साथ मेरा संबंध पहले नहीं था, और ये जो बालक है इसके साथ में जो मेरा संबंध है वो बाद में भी नहीं है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए मेरा जो संबंध है इस बालक से था ऐसा। तो हम देखते हैं जितने भी अस्मिता हैं, तो आप देखोगे अगर हम ध्यान करें तो पहले वो नहीं था हमारा संबंध उनसे, और कुछ समय के बाद में भी वो जो संबंध है वो नहीं रहेगा। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री नित्याय गौर सुंदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हम जितने भी अस्मिता देखते हैं, अभी कोई कोई अधिकारी बन गया होगा तो हम उनसे पूछें क्या वो अधिकारी थे पहले? नहीं थे। क्या वो अधिकारी रहेंगे बाद में? नहीं रहेंगे। या हम ये शरीर हैं, क्या ये शरीर हमारे पास था पहले? नहीं था। क्या ये रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन कुछ समय के लिए हमारे को अस्मिता जो है वो दिया जाता है, लेकिन उस अस्मिता में हम लोग क्या हैं बहुत ज़्यादा निवेश कर देते हैं। निवेश ये शब्द भी बहुत संस्कृत का बहुत अच्छा है, अंग्रेजी में निवेश को बोलते हैं इन्वेस्ट करना। तो राग और द्वेष में इतना इन्वेस्ट कर देते हैं हमारा चेतना और शक्ति कि हम बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये तो क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए मेरे को अस्मिता दिया गया है, लेकिन हम राग और द्वेष में इतना लीन हो जाते हैं कि कुछ और सोच नहीं पाते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने क्या किया था, एक पाइप लिया था और उस पाइप में एक चूहे को डाला, तो ऊपर से ढक्कन था पाइप का, वहाँ से चूहे को डाल दिया, और दोनों साइड पाइप में क्या था दो हुक थे, तो दोनों हुक में उन्होंने ब्रेड लटका दिया, और जो ऊपर का बीच का ढक्कन था चूहे को अंदर डाल के वो ढक्कन बंद कर दिया। तो अभी चूहा अंदर गया पाइप के अंदर, तो उसने दाहिनी साइड देखा तो ब्रेड है, बाईं साइड देखा तो ब्रेड है, तो चूहा बड़ा खुश हो गया, तो तुरंत चूहा भाग के गया दाहिनी साइड, ब्रेड खाने लगा, फिर बाईं साइड गया भाग के, वहाँ ब्रेड खाने लगा। तो अभी दोनों के लिए चूहे ने क्या डेवलप कर लिया, राग, यहाँ पर भी राग यहाँ पर भी राग। तो ऐसे रोज सुबह चूहा खड़ा होता था और दोनों साइड देखता था, नई ब्रेड आती थी तो बड़ा खुश हो जाता था, इधर भागता था खा लेता था, इधर भागता था खा लेता था। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ समय के बाद में एक साइड में थोड़ा बेचारे के तीन ही बाल होते हैं ना चूहे के, जैसे इसने छुआ तो करंट लग गया, तो झटका लग गया उसका, ये क्या हो गया? तो उसने बोला अरे अभी तक तो मैं रोज खा रहा था, अभी तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन इस दुनिया के विषय वस्तुओं का ऐसा लक्षण है, सिम्टम है, कुछ समय के बाद झटके देने लग जाते हैं। आपको लगेगा अरे अभी तक तो बहुत स्नेह करता था, अभी तक तो मुझे आनंद देता था, अभी तक तो मैं, फिर दूसरी तरफ गया क्योंकि वहां भी ब्रेड था, और वहां उसने जैसे ही छुआ तो वहां झटका नहीं लगा, तो चूहा खाने लग गया उसको। अब चूहे का क्या हो गया, यहाँ द्वेष हो गया क्योंकि यहाँ करंट लगा उसको, और यहाँ राग हो गया। तो रोज सुबह खड़ा होता था देखता था द्वेष राग, भाग जाता था खाने के लिए। तो ऐसा चलता रहा चलता रहा, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, दूसरी तरफ भी करंट छोड़ दिया। अभी चूहा खड़ा हुआ तो इधर तो द्वेष है, फिर खड़ा हुआ फिर इधर भागा, अब जैसे ही वहां छुआ तो वहां भी झटका लगने लग गया। बोला ये क्या हो गया, यहाँ भी झटका लग रहा है। तभी वो बेचारा बीच में आ गया, अब सिर ऐसे करके चूहा जो है ऐसे करके बैठ गया हताश होके।
क्योंकि इधर भी झटका लग रहा है, इधर भी, दोनों साइड क्या हो गया, द्वेष हो गया। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, बीच में से ढक्कन जो है वो खोल दिया, लेकिन चूहा इतना ज़्यादा द्वेष में अभिनिवेश हो गया उसका कि वहीं उसने प्राण त्याग दिए अंदर ही अंदर, लेकिन वो ये सोचना भूल गया कि ढक्कन खुला है, मैं बाहर जा सकता हूँ। वहीं पर उसने क्या किया, प्राण जो है त्याग दिया। ऐसा इसलिए हम देखते हैं जितने भी लोग हैं जो बोलते हैं कि अभी तो समय नहीं है, हम भक्ति बाद में करेंगे, अभी हमें को ये करना है, अभी हमको वो करना है, तो असली में उनके पास कभी भक्ति के लिए समय आएगा ही नहीं, मृत्यु हो जाएगा, लेकिन जो राग और द्वेष है उससे जो अभिनिवेश है वो छूटेगा नहीं उनका। ऐसा ये अभिनिवेश कब छूटता है, जब अस्मिता छूटता है, जब ये शरीर छूटेगा तब अभिनिवेश छूटेगा, जब सब चला जाएगा उस प्रकार से। तो हम देखते हैं जो चूहा है वो इसी प्रकार से प्राण त्याग दिया। वैसे ही पहले जो शिकारी होते थे, अगर किसी पंक्षी का शिकार करना है तो वो क्या करते थे, एक होलो पाइप लेते थे और पेड़ के नीचे होलो पाइप जो है वायर डाल के ऐसे टांग देते थे, तो जब पंक्षी आता था तो बड़ा खुश हो जाता था, अरे नया ब्रांच आ गया, तो उसके ऊपर बैठ जाता था। अब जैसे ही बैठता था तो पाइप जो है वो घूमने लग जाता था, तो पंक्षी उस पर अपने आप को बैलेंस करता था, और जितना बैलेंस करता था उतना पाइप और तेज़ घूमता था, और फिर शिकारी सामने से आने लग जाता था, तो पंक्षी डर जाता था, अरे शिकारी आ रहा है सामने से, तो और तेज़ उसके ऊपर भागता था और तेज़ पाइप घूमता था, और तेज़ भाग रहा है और तेज़ पाइप घूम रहा है, और शिकारी सामने से आराम से आ रहा है, उसको बहुत चिंता भी है पंक्षी को, अरे पकड़ लेगा, अरे पकड़ लेगा, पकड़ लेगा, मुझे बैलेंस करना है, और तेज़ भाग रहा है उसके ऊपर, और पाइप भी ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन वो बेवकूफ़ भूल जाता है कि मैं उड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से उड़ सकता हूँ। और शिकारी क्या करता है, उसके सामने आके आंखों में आंखें डाल के ऐसे करके उसकी गर्दन पकड़ लेता है और फिर लेके चला जाता है। तो ये देखते हैं जब अभिनिवेश हो जाता है राग और द्वेष में, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम इन समस्याओं से पूरा बाहर जा सकते हैं। इन समस्याओं में एडजस्ट होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम इस समस्याओं से पूरा परे जा सकते हैं, लेकिन अभिनिवेश में होने के कारण वो हम सोच नहीं पाते हैं, वो हम देख नहीं पाते हैं। तो प्रभुपाद जी जो ये वर्ष है कार्पण्य दोषो पद स्वभावा, उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जो अर्जुन है वो अपने आप को ये क्यों बोल रहा है, कार्पण्य दोषो पद स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूर्छेत, क्योंकि कृपण का मतलब होता है कंजूस, कंजूस का मतलब होता है कि उसके पास पैसा है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता है। जैसे अभी सर्दी पड़ रही है, अगर कोई कंजूस होगा तो कुछ खरीदेगा नहीं, ब्लैंकेट वगैरह खरीदेगा नहीं, वो सर्दी को जो है टॉलरेट करेगा, ऐसा नहीं है कि हायर पर्पज़ के लिए टॉलरेट कर रहा है, पैसा बचाने के लिए टॉलरेट करेगा कंजूस। तो अर्जुन अपने आप को कार्पण्य क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास क्षमता है, क्षत्रिय है, शक्ति है, सब ट्रेनिंग लिया हुआ है, सारे औजार लिए हुए हैं, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो क्या हो गए, वो कार्पण्य हो गए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं उसी प्रकार से हर जो योनि है उसको भगवान ने कुछ क्षमता दी हुई है, जैसे जो घोड़ा है वो तेज दौड़ सकता है, हाथी बहुत ज़्यादा खा सकता है, जो शेर है वो दूसरों को हरा सकता है, जंगल का राजा रहता है, बहुत शक्ति रहता है, तो उसी प्रकार से जो मानव है उसमें भी भगवान ने एक विशेषता दी है, और वो विशेषता है कि मानव को एक विवेक बुद्धि दी है जिससे वो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं अगर कोई मनुष्य अपनी विवेक बुद्धि भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं लगाता है तो उसके ऊपर भी कार्पण्य दोष लग जाएगा, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कृपणा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कृपणा और ब्राह्मणा। तो अगर कोई मनुष्य है, मनुष्य योनि में है और भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि आप कृपण हो, आप कंजूस हो, क्योंकि जो भगवान ने बुद्धि दी हुई है भगवान को समझने के लिए, अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए, आप वो कर नहीं रहे हैं और गलत कार्यों में लगा रहे हैं इस प्रकार से। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मनुष्य है उसको समझना चाहिए कि मेरा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सवई पुंसो परो धर्म, जो टॉप मोस्ट ऑक्यूपेशन क्या है किसी भी मनुष्य का जिसको मनुष्य योनि मिला है, वो है यतो भक्ति अधोक्षजे, जो भगवान की भक्ति है वो करना है। तो अगर कोई पूछता है कई बार कि प्रभु जी मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, मेरा क्या मकसद है, मुझे क्या करना चाहिए, तो बाकियों का तो हमें पता नहीं, लेकिन एक चीज़ पता है क्या करना चाहिए, उसके लिए कोई वर्ण का नहीं सोचना है, कोई आश्रम के बारे में नहीं सोचना है, कौन से देश के हो वो नहीं सोचना है, अगर आप मनुष्य हो और आपको लगता है आप मनुष्य हो तो एक जिम्मेदारी क्लियर है सबके लिए, वो क्या है, भगवान की भक्ति करना है। ऐसा है,
और जब वो भगवान की हम भक्ति करेंगे तब क्या होगा, भगवान की भक्ति में विशेषता है कि जो सरणम करते हैं हम, भगवान की भक्ति करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम होता है, तो भगवान जो है ये अविद्या है उसको विनाश कर देते हैं। और जब अविद्या विनाश होगा तो ये जो अस्मिता है इसके बंधन में हम नहीं फंसेंगे, ऐसा है। तो हम इसलिए हम देखते हैं गीता में भगवान बताते हैं पंडिता सम दर्शना, कि जब कोई पंडित बन जाता है, जब कोई विद्वान बन जाता है तो क्या होता है, वो अस्मिता से बाहर आ जाता है। वो ये नहीं सोचेगा कि अरे ये उस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, ये उस देश का है, मैं इस देश का हूँ, ये उस प्रांत का है, मैं इस प्रांत का हूँ, इसका भाव वैसा है, मेरा भाव ऐसा है। वो इन सबसे परे आ जाता है, क्योंकि वो हर किसी को आत्मा के स्तर पे देखने लग जाता है। और जब इस स्तर पे वो आ जाता है तो राग और द्वेष उससे वो प्रभावित नहीं होगा। ऐसे तो आप देखेंगे अगर कोई बहुत ज़्यादा राग द्वेष में है तो उस राग द्वेष से संबंध में कुछ भी चीज़ होगी वो प्रभावित हो जाएगा, लेकिन जो इससे परे है वो प्रभावित नहीं होगा। तो हम देखते हैं जब चित्रकेतु महाराज को पार्वती जी ने कर्ष किया कि अरे आप ऐसे शिव जी के ऊपर हंस रहे हैं, तो हम आपको श्राप देते हैं कि आप जो हैं अगले जन्म। चित्रकेतु महाराज नीचे उतरते हैं और बोलते हैं कि वैसा मेरा भाव नहीं था, लेकिन आपने जो श्राप दिया है ये जरूर भगवान की इच्छा है, इसलिए आप दे पाए, तो इसलिए मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ऐसा तो वो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो अपने राग द्वेष से परे भगवान का हाथ देख पा रहे थे, भगवान की योजना देख पा रहे थे, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि हर चीज़ जो है भगवान के अनुसार हो रही है। तो ये पहला चीज़ बताते हैं दुख का कारण जो है कि अविद्या के कारण जो हम अभिनिवेश कर देते हैं राग और द्वेष में, इस प्रकार से होता है। दूसरा बताते हैं दुख का कारण जो गीता में भगवान बताते हैं, यही समस्पजा होगा दुख ये नेव एवते, कि जैसे ही हम किसी विषय वस्तु को भोग के लिए छूते हैं तो वो दुख का कारण हो जाता है, और जैसे ही हम किसी विषय वस्तु को सिर्फ छूते हैं भगवान बता रहे हैं यही समस्पर्जा होगा दुख ये नेव। तो जो योनि होता है उसमें आप एक बच्चे का बीज डाल देते हैं और उस बच्चे का नाम है दुख, और कुछ समय के बाद वो बच्चा आएगा, पापा बोले अरे तू कहाँ से आ गया, बोले आपने वो जो भोग किया था याद है, उस समय पे प्रेग्नेंट हुआ था मैं और अभी मेरा जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से जब जब हम किसी विषय वस्तु को भोग के लिए छुएंगे तो हम योनि में जो क्या कर रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं और उन बच्चों का नाम है दुख, और वो सारे बच्चे बड़े होके फिर हमारे ऊपर आएंगे, हमारे पास में आएंगे और फिर हमारे को उसका जो फल है वो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि जो भी चीज़ है वो सब भगवान की संपत्ति है, इसलिए पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। मानो कोई व्यक्ति जो है आपकी संपत्ति बिना आपसे पूछे ले लेता है तो उसको क्या कहा जाएगा, चोर। अभी लीगली आपके पास पूरा राइट है कि आप जो है उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, उसको सजा दिला सकते हैं। उसी प्रकार से सारी संपत्ति भगवान की है, और अगर हम वो संपत्ति जो है भगवान की बिना भगवान से पूछे लेते हैं तो हमको भी चोर कहा जाएगा उसी, और जब हम चोर हैं तो हमको उसका दंड मिलेगा, और वो दंड क्या है, दुख। तो इसलिए हमारा जो वैदिक संस्कृति है उसमें आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ इस्तेमाल करता है तो पहले वो भगवान को अर्पण करता है। तो आप देखेंगे पहले जब कोई खेती बाड़ी भी करते थे तो खेती बाड़ी चालू करने से पहले भगवान को याद करते थे, भगवान की पूजा करते थे, और फिर जब फसल कटती थी, जैसे अभी मकर संक्रांति आएगा तो उसमें जो फसल आती थी वो भी भगवान को अर्पण करते थे। मकर संक्रांति वही सेलिब्रेशन है जिसमें जो फसल आई है और वो भगवान को अर्पण की जा रही है। जब लोग घर बनाते हैं तो उसमें गृह प्रवेश और ये सब यज्ञ होते हैं, क्यों, क्योंकि पहले भगवान का आह्वान किया जाता है, पहले भगवान को ऑफर किया जाता है इस प्रकार से। और जब व्यक्ति को ये पता है कि हर चीज़ भगवान की है और भगवान को अर्पण करता है तो उसको ये दोष नहीं लगता है। और कोई बोलेगा कि ठीक है तो फिर हम सारी चीज़ जो है भगवान को अर्पण करके भोग करेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। ईशोपनिषद में भगवान बताते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, जो आपका कोटा है उतना ही ले सकते हो, पहला चीज तो भगवान को अर्पण कीजिए सारा चीज, और फिर आपका जो कोटा है उतना आप उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज जो है एनिमेट और इनएनिमेट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड। जो भी एनिमेट चीज है इनएनिमेट चीज है वो भगवान उनको कंट्रोल करते हैं, वो भगवान की संपत्ति है। अब वो भगवान को अर्पण करके आप जो है अपना कोटा ले सकते हैं, बाकी कोटा छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये किसकी संपत्ति है, ये भगवान की संपत्ति है। अब ये जो कोटा है
ये कैसे निर्धारित होता है? एक व्यक्ति के वर्ण और आश्रम के अनुसार। उसका वर्ण क्या है, उसका आश्रम क्या है, उसके अनुसार उसका जो कोटा है वो आधारित रहता है, या उसके अनुसार उसका निर्णय लिया जाता है। और प्रिंसिपली क्या है कि आप कोटा अपना ले रहे हैं वो इस प्रकार से होना चाहिए कि ना वो आपको अफेक्ट कर रहा है ना वो बाकियों को अफेक्ट कर रहा है। मानो आपने कुछ कोटा ज़्यादा ले लिया तो एक तो आप अफेक्ट हो जाओगे, दूसरा बाकी लोग भी अफेक्ट हो जाएंगे, प्रभु जी वो इतना ज़्यादा कैसे लेके चले गए। तो कोटा जो है आप उतना ले सकते हैं जिससे कि आप भी अफेक्ट ना हो और बाकी लोग भी अफेक्ट ना हो। तो जैसे पहले ज़माने में जो राजा लोग होते थे तो उनके पास इतना सारा रॉयल ऑपुलेंस रहता था, बड़ा हाथी रहता था, बड़ा गाड़ी, बड़ा घोड़ा, बहुत सारे नौकर चाकर, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं लगता था कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबको लगता था ये सही है, क्योंकि उनके वर्ण और उनके आश्रम के अनुसार वो सब सही चल रहा है, सही कर रहे हैं जैसा उनका पद है। लेकिन मानो अभी कोई छोटा सा व्यक्ति है और वो कोई बहुत बड़े हाथी पे सोने का मुकुट लगा के वो आ जाए, एक तो वो खुद प्रभावित हो जाएगा, उसको बहुत अहंकार हो जाएगा और बाकी लोग भी प्रभावित हो जाएंगे कि अरे ये कहाँ से आ गया ऐसे ऐसा कर दिया। तो वर्णाश्रम जो है और उनके अनुसार जो ईशावास्यम प्रिंसिपल है ये बहुत अच्छा है पूरे समाज को संतुलित रखने के लिए, क्योंकि लोगों में डिफरेंस रहेगा लेकिन वो डिफरेंस भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए, डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना डिफरेंस जो है सोसाइटी चलेगा नहीं। हर लोग जो है उनका अलग अलग वर्ण है, अलग अलग आश्रम है, अलग अलग गुणों का प्रभाव है, तो डिफरेंस तो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन वर्णाश्रम भगवान ने क्यों बनाया है कि जो डिफरेंस है वो एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए, तो इस प्रकार से ये बनाया गया है। और हम देखते हैं ये जो समझना है, आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो भक्ति सरस्वती ठाकुर जी से पहले जो अध्यात्म होता था, भक्ति होती थी, वो किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं होती थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती थी। एक गुरु होते थे, उनसे स्वाभाविक रूप से लोग इंस्पिरेशन लेते थे और उससे जो उनके शिष्य उनसे जुड़ जाते थे, उनसे उनका जो प्रचार है वो बढ़ता था। तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल बेस्ड पूरा सिस्टम था जिसमें स्वाभाविक रूप से जो शिष्य है वो गुरु को समर्पण करता था और जो गुरु हैं वो उनको निर्देश देते थे और वो पालन करते थे बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन जो इंस्पिरेशनल बेस्ड है उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ इंस्पिरेशन एक आधार है। और चैतन्य महाप्रभु का मिशन था कि जो सोसाइटी है वो बहुत लंबा चलना चाहिए, बहुत मास लेवल पर प्रचार होना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं उन्होंने इंस्टीट्यूशन जो है पहला गौड़िया मठ मिशन जो है उसकी रचना की थी। अब जहाँ इंस्टीट्यूशन आ जाता है तो वहाँ पर कुछ रोल्स भी आ जाते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाते हैं। तो अभी किसी को अगर कोटा डिसाइड करना है तो उसको अपना वर्णा भी देखना पड़ेगा, आश्रम भी देखना पड़ेगा और अपना इंस्टीट्यूशन में रोल भी देखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशन में उसका रोल क्या है, उसके अनुसार जो है वो अपना कोटा जो है निर्धारित कर सकता है। लेकिन प्रिंसिपल यही है कि ना वो खुद अफेक्ट हो ना बाकी लोग अफेक्ट हो। तो और कई बार हम देखते हैं प्रभुपाद जी बहुत इंकरेज किए थे युक्त वैराग्य प्रिंसिपल, कि जो भी चीज़ है वो भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक कथा में हम सुन रहे थे, हिजोलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे, तो महाराज बता रहे थे कि जो युक्त वैराग्य है दैट इज एपिटोम ऑफ रिनन्सिएशन। तो महाराज बता रहे थे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिनन्सिएशन इज युक्त वैराग्य, कि आप इतना डिटैच हो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कौन सी चीज़ है, आप बस भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए पहले वैराग्य होना चाहिए, तब फिर उसमें युक्त आप जोड़ सकते हैं, भगवान की सेवा में उसको लगा सकते हैं। तो जो एक भक्त है उसको बहुत केयरफुली फिर ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कैसे उसको आगे अपना जो कोटा है वो निर्धारित करना है। एक बार भक्ति सरस्वती ठाकुर जो हैं वो वृंदावन में यात्रा कर रहे थे और बहुत सारे घोड़े थे उनकी यात्रा में, बहुत सारे हाथी थे और बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य था। तो जितने भी गोस्वामी थे वो सब देख के बिविल्डर हो गए कि ये कैसा यात्रा जा रहा है। तो किसी ने भक्ति सरस्वती ठाकुर को बोला कि अरे सब बोल रहे हैं आप क्या यात्रा निकाल रहे हो हाथी घोड़ा लेके। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले एक साधु का ये कर्तव्य है कि टू मेक श्योर एवरी पैनी इज यूज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। बोल रहे थे साधु का ये कर्तव्य है ये देखना कि लक्ष्मी जितनी भी है वो सब लक्ष्मी किस में इस्तेमाल हो जाए, भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो जाए। तो अगर कोई इस प्रकार से है तो उनका अगर चेतना इतना ज़्यादा है तो कुछ भी कर सकते हैं।
तो अगर किसी व्यक्ति का चेतना बहुत ज़्यादा होता है और फिर उसके पास में ऐश्वर्य होता है, तो जो उसका जो चेतना है वो वर्ण और आश्रम से परे हो जाता है, और जो लोग हैं वो प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि उसकी चेतना के कारण। तो हम देखते हैं जब कोई बहुत सीनियर भक्त हैं, उनके पास में भले ऐश्वर्य भी हो, लेकिन क्योंकि उनकी चेतना इतना ही ज़्यादा है, तो जो चेतना है उसकी वजह से हम प्रभावित नहीं होते उनका ऐश्वर्य देख के। हमको ये नहीं लगता कि अरे ये इतना ऐश्वर्य इनके पास क्यों है, क्योंकि हमको समझ में आ जाता है कि इनका जो चेतना है बहुत ज़्यादा वो है। लेकिन अगर हमारा चेतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा है, तो बाकी लोग प्रभावित हो जाएंगे। वो देखेंगे अरे प्रभु जी तो थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो भी प्रभावित रहेंगे और हम भी प्रभावित हो जाएंगे ऐसा करके। लेकिन किसी का चेतना बहुत ज़्यादा है तो उनका जो चेतना है उनके लिए भी उनको वर्णाश्रम से परे कर देता है, और हम लोगों को भी उनका देखने के लिए वर्णाश्रम से परे कर देता है। लेकिन वो किसी को देखना पड़ेगा कि हमारा चेतना कैसा है। लेकिन सेव तरीका क्या है कि हम लोग जो हैं जितना कम हो वो इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवान की सेवा करें, वो बहुत सेफ है हमारे लिए भी और बाकी जो हमारे साथ भक्त रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ है। हाल ही में एक भक्त जो है वो एक कहीं से तो एक डोनेशन में कैप आया था, तो लाल कलर का था, तो मैंने देखा अरे अच्छा कैप है, तो मैंने पहन लिया, तो उसमें एक साइड में बहुत बड़ा बड़ा नाइकी लिखा था। तो दूसरा भक्त आया देखते ही बोला प्रभु जी नाइकी। फिर मैंने उसको टोपी को देखा तो अरे नाइकी लिखा है, फिर बोला नहीं 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 ये नहीं पहन सकते, वरना फिर आगे ऐसा होगा कोई मॉन्टे कार्लो यहाँ, नाइकी यहाँ, पूमा यहाँ। तो फिर बेचारा भक्त अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि जो सामान है वो भगवान की संपत्ति है, और अपने स्वभाव के अनुसार उसको हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारा भी भला होगा, बाकियों का भी भला होगा, और हम भगवान की सेवा भी कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा दुख नहीं होगा। तो ये दो दुख के कारण हमने सीखे, एक तो अविद्या के कारण जो राग द्वेष में अभिनिवेश हो जाता है, और दूसरा जब हम भोग के लिए वस्तुओं को इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ हम विराम देंगे, आज कर सेवा है। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय।